सो वेलकम बैक गाइस। और आज की हमारी जर्नी होगी साउथ बिहार एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 1T288। ये ट्रेन राजेंद्र नगर से रायपुर के दुर्ग तक चलती है। ये ट्रेन हर दिन रात के 8:30 में राजेंद्र नगर से निकलती है और रात को अगले दिन रात 8:40 पहुँचाती है दुर्ग। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1110 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर विथ मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये है, ये ट्रेन राजेंद्र नगर से दुर्ग तक हमें पहुंचाएगी 24 घंटे 10 मिनट में। और इस ट्रेन की पहले भी हमने जर्नी की थी, लेकिन आज से 1.5 साल पहले, लेकिन वो थी हमारी ICF में। और ICF की जर्नी होने के बाद फिर इसको कर दिया गया LHB और अब ये चलती है LHB के साथ। तो आज हम इस ट्रेन का जर्नी करेंगे LHB के साथ। और मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो भाई साहब, अगर ट्रेन में जाना तो घर से खा के आई या तो खाना लेके आई। अभी जो इस ट्रेन को है ना, पहले 2 नंबर पर लगाया जाता था, पर पता नहीं क्यों आज 1 नंबर पर इसे लगाया गया है। कोई कारण क्या है पता नहीं, कि 2 नंबर भी खाली है। अभी संपूर्ण क्रांति जो खरीद थी वो निकल गई और अभी तक गेट का ओपन नहीं हुआ है। लेकिन आज हम इसको, पिछले बार हमने किया था स्लीपर में जर्नी, लेकिन इस बार थोड़ा अपग्रेडेशन करने के बाद अब करेंगे हम 3rd AC में जर्नी। आज की जर्नी होगा हमें 3rd AC में, और हमारा सीट है 31 और हमारा जो कोच है वो है B1। तो अभी गेट खुला नहीं है, वरना गेट के अंदर दिखाते आपको। गेट खुलते हम आपका अंदर का दर्शन दिखाएंगे। तो चलिए दर्शन कराएंगे, तो वेट कीजिए गेट खुलने का। हमारे कोच के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, चलिए चलते हैं अंदर। इस ट्रेन में 3rd AC में आपको पेट्रोल और थके वके का जो भी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। और ये हमारे सामने राजेंद्र नगर हावड़ा 2 नंबर प्लेटफॉर्म में लग रही है। इसकी भी हमने जर्नी की है, जो आपको चैनल पर मिल जाए। और इस ट्रेन के 24 घंटे के अंदर 40 हॉल्ट है, जिसमें से 2 हॉल्ट में इस ट्रेन का लोकल रिवर्सल होता है, जो कि एक होता है आसनसोल में और एक होता है टाटा नगर। लेकिन आसनसोल जो है ना, वो आपको पड़ता है रात के 1 बजे करीब, और जो टाटा नगर है वो सुबह 6-7 बजे तक। तो कोशिश करेंगे दिखाने की, हम नहीं दिखा पाते। वैसे आप लोगों को पता है कैसे होता है, हर बार एक ही चीज़ दिखाएंगे, हर बार एक ही चीज़ देखेंगे तो आप लोग बोर नहीं हो जाते हैं। ये वेट करते हैं, 20 मिनट का टाइम बचा है ये ट्रेन डिपार्चर होने में। और एक बात मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए MFG 2022, मतलब ये ट्रेन की जो मैन्युफैक्चरिंग है 2022 में हुई है, इसीलिए ट्रेन इतना क्लीन है। देख लीजिए पूरा साफ है भाई साहब, साफ हो तो सफ़र का मज़ा ही दुगना हो जाता है। वैसे इस ट्रेन में तो पेंट्री नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए, ट्राई क्या करेंगे ज़रूर, वरना करेंगे कैसे। और इस ट्रेन में आपको साइड पेंट्री कार्ड ज़रूर मिल जाएगा। तो अभी ब्लैंकेट वगैरह देने का काम चल रहा है इस ट्रेन में हर जगह। ठीक, देख लीजिए कैमरा का देख रहे हैं, चलिए कोई बात। और मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखाता, पर वहाँ लेडीज़ थी जो कि कैमरे में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं आपको मुंह से बता देता हूँ कि भाई वहाँ पे ना हर सीट में प्लग मिल जाएगा। जैसे पिछले ट्रेन में हम सब ने दिखाया था ना, हर सीट पे आपको प्लग मिल जाएगा प्लगिंग के लिए। और रीडिंग लाइट भी है वहाँ पे, जो कि हम थोड़ा सा कैप्चर कर पाए। बाकी जो लेडीज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, और जर्नी ऐसी चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। और इस ट्रेन में ना, और अभी जो इस ट्रेन में आपको 3rd क्लास इकोनॉमी भी आपको दिख जाएगा। और ये देखिए भाई साहब, कम्बल वम्बल देने की तैयारी चल रही है। चलिए, और अभी हमने अगर टिकट जब IRCTC में चेक किया ना, तो इस ट्रेन में ना कम से कम 70 सीट खाली जा रही है 3rd AC में। अब पूरी ट्रेन में 3rd AC मतलब एक कोच खाली जा रही है, और बहुत डिमांडेबल टेबल है, बट फिर भी आज खाली जा रही है, पता नहीं क्यों। 8:30 पर हमारा डिपार्चर होता है। Thank you.
चलिए अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट पटना साहिब, जिसका हेडक्वार्टर है PNC, और यहाँ इस ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ ट्रेन पहुँचे अपने टाइम की 1 मिनट डिले। अगर हम पटना साहिब की बात करें, यहाँ टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और अब तक हमने इस ट्रेन से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और यहाँ सिर्फ 4 मिनट की ये ट्रेन। चलिए डिपार्चर होता ही है। चलिए चलिए अपनी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है पटना साहिब से, बट सामने वाले बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहा है गेट से लटके हुए हैं, पता नहीं क्यों। ध्यान से कूदो, हम पहुंच चुके हैं बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKB, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन पहुंची अपने टाइम से 12 मिनट डिले। अगर बख्तियार की बात करो तो यहाँ टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और भाई साहब हमारी जो ट्रेन है ना वो बिल्कुल 12 मिनट डिले पहुंची है, और ये इसका 4th हॉल्ट है। तो यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट को यहाँ से रवाना हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे सोने, बिकॉज 9:30 बज चुके हैं यार। यहाँ जो ट्रेन का टाइमिंग था ना 9:23 के लगभग था, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँचे 9:00। चलिए अब जाएंगे हम सोने, पहले आपको डिपार्चर दिखाते हैं और वॉशरूम की हालत भी दिखाएंगे। नया कोच है तो वॉशरूम की हालत दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि सब ठीक ही होगा, तब भी से दिखाएंगे। अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन से, पहले डिपार्चर दिखाते हैं फिर वॉशरूम दिखाएंगे आपको। वॉशरूम, बट वॉशरूम में जाने से पहले डस्टबिन है भाई, और ये फायर एग्जिट, इधर भी डस्टबिन है, पानी बिल्कुल। हाँ साहब, वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा साफ है, मतलब इतना साफ है कि मैं यहाँ चद्दर बिछा के सो सकता हूँ। यही डायलॉग मैंने पिछले साउथ बिहार एक्सप्रेस में मारी थी, जो डायलॉग कहीं मार रहा हूँ, बिल्कुल साफ है। ये देखिए ना, बेसिन पूरा साफ है, बेसिन एकदम पूरा साफ है, मिरर तो एकदम साफ है, और यहाँ हैंड वॉश भी दिया गया है, और ये फ्लश में लाइट चल रहा, पता नहीं कौन सा डिज़ाइन है, और सब कुछ बिल्कुल क्लीन है भाई, क्या बताएं। मतलब अभी यहाँ के स्थिति देख के ना आपको सोने का दिल कर रहा है। तो अब हम जाएंगे सोने, और आपसे मुलाकात हुई कल सुबह, जहाँ भी नींद खुली वहीं मुलाकात करेंगे। चलिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, और अपनी जो इतनी ट्रेन है ना 1 घंटे 10 मिनट डिले चल रही है, और अभी हम लोग पहुँचे हैं गमड़िया जंक्शन, और क्या बताऊँ भाई, 1 घंटा 10 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन, और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे टाटा नगर। और भाई वहाँ का कवर करने के लिए मैं बैठा था, लेकिन जब मैं सुबह उठा ना तब मेरे को दिखा 1 घंटा 10 मिनट, बट बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है ट्रेन, इतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो रही है। पिछली बार जब हमने हम सफ़र का जब किया था तो उसमें जैसा 3 घंटे हो गया था, कहीं ये ना हो जाए हमारे पहुँचते। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगाती है टाटा नगर पहुँचने। ट्रेन देख रहे हैं आधा ना स्टेशन के बाहर ही है और आधा ही स्टेशन के अंदर है। चलिए यहाँ से भी डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का, और हमारा जब लोको रिवर्सल होगा ना फिर इसी रूट में वापस जाएंगे। टाटा नगर से इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा, फिर हम इसी रूट से वापस जाएंगे। तो उस टाइम नहीं रुकेगी ट्रेन, देखिए बार ठीक बार बार थोड़ी रुकेगी भाई मेरी। Thank you.
पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 22वां हॉल टाटा नगर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है टाटा। और यहाँ ट्रेन का टाइमिंग जो है ना, यहाँ 30 मिनट इसका हॉल्ट है, लेकिन यहाँ ये ट्रेन पहुँची है 1 घंटा 15 मिनट डिले। यहाँ इस ट्रेन का टाइमिंग था 7:35 पर, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँची है 8:45 पर। तो अगर मैं टाटा नगर की बात करूँ तो यहाँ टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। और भाई साहब, अब मैं आपको यहाँ पर लोको रिवर्सल दिखाता, बट मेरे कैमरे में चार्ज नहीं है। और यहाँ पे कुछ खाने का भी लेते हैं, बट सुबह सुबह हमारी जमती नहीं है, लेकिन हम ना ऑनलाइन में ऑर्डर देंगे खाने का। और ऑनलाइन में ऑर्डर कैसे रहता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इस ट्रेन में ना पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइड पेंट्री कार, लेकिन उसमें ना रेल लीर बेचा नहीं जा रहा है, उसमें कुछ लोकल बेचा रहा है जो कि हमें पसंद नहीं है। तो चलिए डिपार्चर होने का टाइम वेट करते, लेकिन अभी थोड़ा ना हम पहले एक पानी की बॉटल ले रहे हैं यहाँ पे, अगर मिलता है तो। रेल हमारा जो है ना पानी ख़त्म हो गया, तो हम 2 बॉटल पानी ले लेते हैं यहाँ से, फिर हम चलेंगे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ खाने के लिए भी मिल जाएंगी। भैया दो रेल लीजिए। और यहाँ पे ना यहाँ आपको बहुत सारे खाने के लिए मिल जाएंगी। ये लिट्टी है भाई, कचौड़ी है, कचौड़ी है, कचौड़ी। गरम पेटेस, गरम पेटेस, हमको सुबह खाना चलता नहीं है, बाद में खाएंगे। पानी का इंतजाम हो चुका है, 2 बॉटल पानी, बट हाथ में कैसे लेते, बोल कैसे लेना पड़ रहा है। यहाँ आपको बहुत सारे खाने के वैरायटी मिल जाएंगे, आपको इडली मिल जाएंगे, आपको कचौड़ी वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन यार कितनी बार बताना पड़ेगा लोगों को। चलिए लोको रिवर्सल होने के बाद यहाँ से डिपार्चर होगा, लेकिन अभी हम जाकर बैठेंगे अपनी सीट पे और फिर डिपार्चर होगा, फिर दिखाएंगे आपको। बिकॉज अभी कैमरे में चार्ज भी नहीं होता, कैमरे में चार्ज भी कम है, बट मैंने एक नोटिस किया कि अगर मैं कैमरा, अगर मैं एसी में ट्रैवल करता हूँ तो कैमरे में ना चार्ज कुछ ज़्यादा ही रहता है। बोलो, बट इसका क्या रीज़न है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही रहता है। मतलब जहाँ मुझे ये अगर फुल टाइम अगर बैकअप देती है 2 घंटा देती है, लेकिन अगर मैं फुल ट्रैवल करूँ तो 2.5 से 3 घंटा भी दे देती है, लेकिन वो मैटर नहीं है। एसी में कुछ अलग ही अपना कुछ रुका रहता है, इसीलिए चलिए हम अपनी कोच में चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट चक्रधरपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CKP। और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट और, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुंची अपने टाइम से 1 घंटा 15 मिनट डिले। अगर मैं चक्रधरपुर की बात करूँ तो यहाँ निकल चुका है, अब तक हमने जर्नी डिस्टेंस कवर किए 5 से 7 किलोमीटर, 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए अब थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ट्रेन की जो वॉशरूम की कंडीशन है ना, मैं आपको बताता हूँ, वॉशरूम की कंडीशन जो है वो अभी भी A1 कंडीशन है, और इसको साफ भी किया गया है टाटा नगर में। और टाटा नगर में ट्रेन जाते ही जो बाइक में अनाउंसमेंट होता है कि भाई एक नंबर पर साउथ बिहार खड़ी है, उसको साफ किया है। तो अच्छा है इस ट्रेन का, मतलब साउथ बिहार है, बिहार में जाने वाले हर ट्रेन का डेवलप मैंने देखा कि कोच में सफाई दे देती है, लेकिन इसमें ना कोच में भी सफाई है और वॉशरूम की कंडीशन भी बेहतर है। पहले जर्नी का मजा लेते हैं।
ऑर्डर दिया है खाना, जो कि अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहे अभी, और लगभग लगभग 1 बजे के आसपास आएगा। तो 130 रुपये का अंडा करीब चावल ऑर्डर दिया है, जो कि क्या क्या रहता है हम आपको बताएंगे इस ट्रेन में, और वो भी साइड पेंट्री कार है, ये पेंट्री कार नहीं है, इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो आते अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं राहुल किला, तो चलिए राहुल किला का दिखाते हैं आपको। हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 2600 हॉल्ट राहुल किला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ROU, और यहाँ से ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँचे अपने टाइम पर 5 मिनट। यहाँ इस ट्रेन का जो टाइमिंग था ना, वो था 10:30 बजे, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँची है 11:35, 1 घंटा 5 मिनट लेट पहुँची है। अगर मैं राहुल किला की बात करूँ, यहाँ टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और हमने यहाँ से ऑर्डर किया है खाना, और हमारे जो साइड पेंट्री कार है वहाँ से आएंगे खाना, फिर आपको दिखाएंगे रिव्यू। लेकिन अभी यहाँ बहुत 15 मिनट का हॉल्ट है, और साहब चलिए चलते हैं कोच के अंदर, बाहर रहने का 15 मिनट बाद फिर आपको पाचा दिखाएंगे। और मैं आपको कल रात को जब ट्रेन डिपार्चर हुआ था राजेंद्र नगर, तब आपको मैंने इसका इंटरेस्ट दिखा नहीं पाया था, लेकिन अब दिखाते हैं। देखिए सामने मिरर, ये एक दो प्लग, और नीचे एक प्लग, यहाँ भी एक प्लग, यहाँ भी दो प्लग, और ये जो है ना, ये रीडिंग लाइट आपको हर सीट पे मिल जाएगा। और ये देखिए कमाल का सीढ़ी बना हुआ है दोनों तरफ, मस्त है, मस्त जर्नी हो रहा है साउथ बिहार एक्सप्रेस में। और यही जर्नी हमने आज से 1.5 साल पहले फिर से की थी, लेकिन वो स्लीपर में था, और अब की बार 3rd AC, मज़ा आ रहा है। और राहुल किला की बात करूँ ना, तो राहुल किला को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन, और एक लाइन जाती है यहाँ से रांची की तरफ, इसीलिए इस जंक्शन मतलब इस राहुल किला को जंक्शन कहा जाता है। अब तक हमने इस ट्रेन से 656 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और बस 4-5 मिनट का बस यहाँ से रवाना होने वाला है। क्या बताऊँ आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता अंदर की, मैं क्या नहीं खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी डाइट में हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादातर खा नहीं रहा बस कुछ कुछ। और मेरा जो सुबह का जो खाना है वो मुझे ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं एक बार मैं दोपहर में खाता हूँ, एक बार रात में खाता हूँ, रात में कभी कभार खाता हूँ, बाकी मैं एक टाइम ही खाता हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। तो जो आप लोगों को दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता, उसमें नाराज मत होइएगा, बस प्यार देते रहिए। 15 मिनट घूमने के बाद अब अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है राहुल किला से, चलिए एक बार से देखते हैं। सो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है झारसुगा, जिसका स्टेशन कोड है 3AC, और यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँची है 20 मिनट, मतलब जो है 1 घंटा 5 मिनट डिले था वहाँ 20 मिनट हो चुका है, और हमारा लंच भी आ चुका है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ लंच। ये हमारा लंच है, ये चावल, ये पनीर की सब्जी, ये छोले आलू, ये पापड़, और ये दाल। चलिए इनको खाते हैं, और आपसे मिलते हैं रायगढ़ में, और बस रवाना होने ही वाली है पूरी। अब हमारा खाना चल रहा है, और ट्रेन अभी रवाना हो चुकी है झारसुगड़ा से। चलिए आपसे मुलाकात होगी अब रायगढ़ में। सो गाइस गुड इवनिंग, झारसुगड़ा जाने के बाद जब मैंने लंच किया, उसके बाद ना मेरे को नींद आ गई तो मैं सो गया, लेकिन झारसुगड़ा तक इस ट्रेन की जो टाइमिंग थी ना, वो आधा घंटे लेट थी, लेकिन जब तक हम रायगढ़ पार करके आए ना, जब मेरी नींद खुली, और अब ये ट्रेन की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, 2 घंटे 10 मिनट लेट चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, 2 घंटे 10 मिनट, यकीन करने लायक नहीं है, लेकिन यही सच है।
और अब हम शक्ति के पास आने वाले, शक्ति आने वाली है हमारे, लेकिन हम शक्ति को कवर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाके चाथा को कवर करेंगे। अभी शक्ति आने वाली, लेकिन शक्ति का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएंगे। चलिए अब देखते हैं शाम का नज़ारा। फिर से अभी ट्रेन रुकी हुई है बीच रास्ते में, लेकिन ये शाम हो रही है ना, खूब सुंदर शाम हो रही है। चलिए ट्रेन का रवाना का टाइम होगा, ट्रेन ने हॉर्न मार दिया, चलते हैं। 2 घंटे 25 मिनट डिले चल रही है अपनी ट्रेन, और इतना लेट कर क्या है कारण इसका, लेकिन ये जो शाम हो रही है बहुत खुश है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं चांपा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CP8, और यहाँ स्टेशन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ ट्रेन पहुँची है ना 2 घंटा 50 मिनट। मतलब हम चांपा तक पहुँचे हैं 2 घंटा 50 मिनट, मतलब ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते 3.5 घंटा लेट हो ही जाएगी। चलिए जो भी है, और चांपा में अगर बात करते हैं, यहाँ टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, और भाई साहब ये चांपा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लाइन जिसमें हम चल रहे हैं हावड़ा मुंबई मेन लाइन, और एक लाइन जाती है कोरबा की तरफ, और 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए भाई, कोई मतलब पूरा प्लान ही बिगड़ चुका है, मतलब 2 घंटे 50 मिनट का जो डिले हुआ है ना, उससे मेरी पूरी प्लान बिगड़ चुकी है। मतलब हम जो सोच रहे थे कि कौन कौन से स्टेशन कवर करेंगे, वो पूरी प्लान बिगड़ चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, पहुँच चुके हैं बिलासपुर। यहाँ ट्रेन पहुँचे 2 घंटे 16 मिनट डिले, विजय श्रीवास, तो बहुत ही डिले पहुँची है, लेकिन 3 घंटे से 2 घंटे 16 मिनट कवर कर चुका है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन तब भी से मेरे को लगता है कि भाई ये दुर्ग पहुँचते पहुँचते 2.5 घंटे ही डिले हो गए, कि यहाँ से निकलते निकलते 10 मिनट और डिले हो जाएगी, तो हो गया 2.5 घंटे और वो आगे भी चाहिए। पर देखते हैं कितना टाइम तक पहुँचाती है। बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं रायपुर, जिसका स्टेशन कोड है 8, और यहाँ ये ट्रेन पहुँची है 2 घंटा 35 मिनट डिले। ऐसा बहुत ज़्यादा बोर हो गया था मैं, क्योंकि इतने टाइम तो मैं सो जाता था, लेकिन सो भी नहीं पा रहा था, बैठ भी नहीं पा रहा था, मतलब क्या करूँ, पूरी तरह बोर हो चुका था। बाकी टॉयलेट वॉयलेट सब क्लीन था, खाना वाना हमने खा लिया था, सब कुछ कर लिए। और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन ठीक है, बस थोड़ा लेट है, पता नहीं आज ही लेट है कि पहले से भी लेट होती है, कभी लेट होती है पता नहीं है, आज ही लेट है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ, जर्नी एक्सपीरियंस तो ठीक है, बट ट्रेन टाइम पे नहीं आई है ना, इसलिए थोड़ा जर्नी थोड़ा बेकार हो गया, बाकी सब कुछ ठीक था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद। और ये ट्रेन अभी जाएगी दुर्ग, लेकिन हम यहीं पर। चलिए जय हिंद।